आप सभी का किसान गोपाल कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या में भाषा एवं पठन अवबोधन विषय में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें जो बताया है भाषा समाज और उसके व्यक्ति और उसमें किस प्रकार भाषा का महत्व होता है, क्या उसके साधन है और किस प्रकार से वह अपने महत्व को साबित कर पाती है। भाषा का महत्व, भाषा मानव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को और अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वहीं भाषा के विकास ने ही मानव को अत्यंत समस्त उपलब्धि के योग्य कर दिया है। भाषा की उन्नति ही आदि मानव से मानव बनाने का जो कार्य है वह कर चुकी है। मानव भाषा ने जो आदि मानव का रूप था उसे मानव में परिवर्तित किया है, यह कार्य भाषा ने किया है। उसे पशु की श्रेणी से एक श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मानव बनाया है। वहीं मानव जीवन भाषा के बिना अकल्पनीय होता है। वहीं जीवन में भाषा असीमित महत्व से कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे उस किस प्रकार भाषा ग्रहण की जा सकती है और किस प्रकार से भाषा से किन किन तत्वों का विकास हुआ है, जैसे सभ्यताओं का विकास। भाषा के द्वारा मानव सभ्यताओं के विकास को बढ़ावा मिला है और भाषा ही सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा ने मनुष्य को आदि मानव कंदराओं से निकालकर एक श्रेष्ठ मानव की श्रेणी दी है और चांद तारों तक उसे पहुंचाया है। भाषा ने ही मनुष्य को सभ्यता और उसके उच्च स्तर तक मनुष्य को पहुंचाया है और उसकी जितनी भी उपलब्धियां मनुष्य ने अपने आप में प्राप्त की है वह सब भाषा के द्वारा ही की है, जिसके कारण वह जमीन से आसमान तक का सफर तय करता है और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और बढ़ता जाता है। यह सब एकमात्र साधन भाषा के द्वारा हुआ है। भाषा से व्यक्ति के विचारों की उत्पत्ति हुई, विचारों से उसने भाषा का रूप धरा और उसके बाद उसने अपने विचारों को साकार रूप दिया। यह सब भाषा और संप्रेषण के द्वारा ही संभव हो सका। अगर संप्रेषण क्षमता का विकास भाषा
मानव के विकास को पथ प्रदर्शक किया है और निष्कंटक बनाने का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वह भाषा ने ही निभाई है। सामाजिक दृष्टि से भाषा बालक का और उसके विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है, महत्वपूर्ण साधन बनती है, जिसके द्वारा बालक अपनी बात को कह सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अब व्यक्तित्व का विकास भाषा का मानव जीवन में महत्व केवल संप्रेषण के साधन के रूप में ही नहीं होता है, वरन यह व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास का मूल साधन होती है। अभिव्यक्ति का भी एक प्रबल साधन होती है तथा व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व साबित होती है। भाषा के द्वारा व्यक्त की गई बातों को सुनकर, समझकर या अनुकरण करके बालक अपने जीवन में उतारता है और उसका अनुकरण करके अपने जीवन को सुधारता है और भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त करता है। सामाजिक विकास बालक का सामाजिक विकास भी भाषा के द्वारा
अमृत निकल सकते हैं, परंतु वचन भाषा द्वारा संप्रेषित विचार सार्वभौमिक अर्थ में होते हैं और सभी के द्वारा एक समान रूप से समझे जा सकते हैं। भाषा के बोलने में वाणी व स्वर के उतार चढ़ाव से व्यक्ति के भाव भी स्पष्ट होते चले जाते हैं। अतः विचारों की सुस्पष्ट और अभिव्यक्ति हेतु सुदृढ़ भाषा का विकास अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साफ और स्पष्ट रूप से कही गई जो भाषा बोली है उसका उच्चारण है, उससे मनुष्य के हाव भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं और जल्द ही समझ आते हैं। इसलिए शुद्ध स्पष्ट वाणी भाषा सबके लिए सही होती है और इससे स्पष्ट उच्चारण प्राप्त होता है। वहीं वैश्वीकरण का विकास है। वैश्वीकरण का विकास विश्व में सांस्कृतिक बाधाएं समाप्त करने में भी भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज वैश्वीकरण के दौर में न केवल एक देश की भाषा का पूर्ण ज्ञान मनुष्य की पूर्ण आवश्यकता है, बल्कि विभिन्न अंतरदेशीय भाषाओं की ज्ञान का भी उन्नति का एक साधन होती है और यह एक ऐसा साधन बनती जा रही है जिससे मनुष्य उन्नति कर सकता है। भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है, उसके द्वारा मनुष्य विभिन्न कार्यों को कर सकता है। स्वामी जी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति जितनी भाषाएं सीखता है उसका मस्तिष्क उतना ही कुशल बनता है। आज एक सार्वभौमिक वैश्विक भाषा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है, जिससे मानव अपनी संकीर्णताओं को समाप्त करके मानव जाति का कल्याण कर सके और उसे एकजुट होकर संप्रेषण के साधन जुटा सके, जिससे मानव के लिए एक ऐसी भाषा का विकास हो जिसकी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबका विकास सबके साथ और सबके लिए हो। परंतु साथ ही उसे इस चीज का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा करने से विश्व के जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं उनका भी अपना एक अस्तित्व हो, वह अपना अस्तित्व न खो दे। इस चीज का ध्यान भी मनुष्य को रखना होता है। मातृभाषा का महत्व। संरक्षण एवं सर्वधर्म का मानव जीवन
अवबोध